नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास प्रोग्राम की। पूर्व पाकिस्तान से साल 1970 में आए विस्थापित हिंदू बंगाली परिवारों को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है, जिसमें 63 हिंदू बंगाली परिवारों को पुनर्वास के लिए जमीन का पट्टा दिया गया। इस दौरान कई ऐसी अहम घोषणाएं हैं जो सीएम योगी द्वारा इन परिवारों के लिए की गई। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर सीएम योगी द्वारा इन परिवारों की मदद करने के लिए और कितनी आर्थिक सहायता की गई हमारी इस रिपोर्ट में। अपने हक की लड़ाई लड़ रहे 63 हिंदू बंगाली परिवारों को आखिरकार उनका अधिकार मिल ही गया। यूपी की योगी सरकार ने 1970 में पूर्व पाकिस्तान से कानपुर आए 63 हिंदू बंगाली परिवारों का नए सिरे से पुनर्वास करने के लिए जमीन का पट्टा स्वीकृत किया है। लोक भवन में सीएम योगी ने खेती के लिए 2-2 एकड़ जमीन और घर बनाने के लिए 200 वर्ग मीटर जमीन का पट्टा दिया। मकान बनाने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना से पैसों की मंजूरी भी दे दी है। इस मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि हमने कार्य योजना बनाकर इन परिवारों के हित में काम किया है। 63 पट्टा देकर हम सीधे सीधे 400 लोगों तक लाभ पहुँचा रहे हैं। 38 वर्षों की आपकी जो प्रतीक्षा थी वह प्रतीक्षा दूर हुई और इन सभी 63 परिवारों को राज्य सरकार के द्वारा कानपुर देहात जनपद के रसूलाबाद में प्रत्येक परिवार को 2 एकड़ भूमि, 200 वर्ग मीटर का आवास का पट्टा और मुख्यमंत्री आवास योजना में एक एक आवास और शौचालय यह स्वीकृति प्रदान करते हुए मुझे अपने साथियों के साथ प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। 1970 में ये सभी परिवार आज के बांग्लादेश से, उस समय के पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर के भारत आए थे। उत्तर प्रदेश में 1970 में पूर्वी पाकिस्तान से बंगाली परिवार आए थे। इन्हें रोजगार देकर मदन कपास मिल में पुनर्वास किया गया। 5 साल बाद ये मिल बंद हो गई। इसके चलते 63 हिंदू बंगाली परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। ऐसे परिवार पिछले 30 सालों से संघर्ष कर रहे थे। इन्हें पुनर्वास करने के लिए साल 2021 में योगी सरकार ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। इनके लिए कानपुर देहात के रसूलाबाद में 300 एकड़ जमीन चिन्हित की गई। इन्हें भूमि विकास और सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही मनरेगा से यहाँ काम कराया जाएगा, जिससे इन्हें अच्छी सुविधाएं मिल सके। इस हक की लड़ाई में ना जाने कितने साल बीत गए, लेकिन आज जब लोगों को उनका हक मिला तो उनके चेहरे खिल उठे। आखिरकार इस लंबी जंग में जीत की खुशी उनके आंखों से झलक गई। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।